नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सबसे कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आरपीसी, आरएसएम, एसएसबी या आरएसएसबी, इनकी एग्जाम की प्रिपरेशन तो करा ही रहे हैं, पर नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इस बार जो मेरा प्लान है वो यूजीसी नेट के पेपर की प्रिपरेशन कराने का भी है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बारे अर्लियर मैं इस बारे को आपको समझा भी चुका हूँ। इस बार 15 अगस्त वो मैंने प्लान किया, 16 अगस्त से हम बैच शुरू करेंगे, जो 15 अगस्त को संडे है। 16 अगस्त से हम पेपर वन का बैच शुरू कर देंगे और कुछ सब्जेक्ट यानी मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इनके भी क्लासेस के बारे में प्लानिंग चल रही है। बट दोस्तों, डिपेंड करता है कि समय और सिचुएशन क्या हमारे पास है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पेपर वन की क्लास को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले आपके लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, खासकर पेपर वन के लिए आप कौन सी बेस्ट बुक्स लें, उनके बारे में इस वीडियो में वर्तमान में चर्चा करने वाला हूँ। और आप सभी से नम्र निवेदन ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपोगे नटक्रैकर, उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसी चैनल के ऊपर हम ये सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको रीसेंट अपडेट, कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, कहाँ पर पीएचडी की नोटिफिकेशंस हैं, कहाँ पर प्राइवेट हो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी की सारी जानकारी देने का हमने प्रावधान किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करूँगा मैं कौन सी बुक्स आप परचेज करें ताकि आपके पेपर वन में बहुत अच्छे नंबर आएँ। और जब अगर आपके पेपर में नंबर अच्छे आते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है, खासकर कि नेट क्रैक करने में और जेआरएफ को पार करने में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आप सभी का अपोगे नेट क्रैकर में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यह है कि हमें आपको नेट पेपर वन में कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए ताकि आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो पाए। अर्थात मैं ये चाहता हूँ कि आप वो बुक्स को प्रेफर करें या वो बुक्स लें जिनसे पहले के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनको पढ़ने से आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो पाएँ। देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ अपने बारे में तो मैं खुद वर्तमान में प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का। तीन सब्जेक्ट में हमने नेट किया है। साथ के साथ मैं वर्तमान में एक प्राइवेट कॉलेज में अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं डीन हूँ उस कॉलेज का। बट मेरा एक ही मानना है कि अगर मेरी नॉलेज से किसी को कुछ बेनिफिट मिलता है, मैंने जो अचीव किया है व्हाटएवर, उसको मैं आपको डिलीवर करूँ। उसी के तहत मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पहले पेपर के लिए आप कौन सी बुक्स लें ताकि आप 100% सक्सेसफुल हो पाएँ और आप डेफिनेटली अपने नेट के पेपर को पार कर पाएँ। देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि सब्जेक्ट नॉलेज तो आपके पास होती है, बट क्या होता है कि अगर पहले पेपर में स्कोर अच्छा है तो आपके चांसेस होते हैं कि आप इजीली नेट और जेआरएफ क्रैक कर जाएंगे। उसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी पॉसिबल बुक्स हैं। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि ये हिंदी में और अंग्रेजी में कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीएसएन पब्लिकेशन की बुक आती है, एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ, जो आपको अभी दिख भी रहा है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड केवीएस मदान की। दैट इज़ वंडरफुल बुक फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। अगर आप केवीएस मदान साहब की बुक लेते हैं तो इससे बढ़िया बुक कोई नहीं हो सकती। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस इसमें थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन थोड़ी आपको देखना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं बता दूँ, केवीएस मदान इज़ वंडरफुल बुक जो कि आपको मिल सकती है। या तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन में भी जाके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, पर ये एक अच्छी खासी बुक है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी बुक आई प्रेफर टू सजेस्ट यू दोस्तों, केवीएस मदान साहब की बुक है और ये भी एक अच्छी खासी बुक है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका कवर जो चेंज कर दिया, बट अगेन पीएसएन पब्लिकेशन की बुक है केवीएस मदान साहब की। एक बुक मैं आपको और रिकमेंड करूंगा जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन। आई रिपीट, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी बुकों में से एक मानता हूं मैं, और ये बुक इतनी इफ़ेक्टिव है कि डेफिनेटली इट विल डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट
व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एनटी पेपर वन। ठीक है, अगर आप एनटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, ये हिंदी में भी और अंग्रेजी में दोनों में उपलब्ध है। और इसमें अच्छी बात है कि सॉल्ट पेपर भी कुछ दे रखे हैं और 5 इन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं जिसके बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीसरी बुक दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक, आई रिपीट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है हरप्रीत कौर की, ये आप ले सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी नेट सेट और JRF को पार करने में। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है और एज पर दी UGC सिलेबस 2019 में जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बुक है। अगली बुक अगेन देखो KVS मदान की हिंदी में बुक है, बट वो जो राइटर है उसमें अंशु मैम भी इसमें आ गई हैं, तो ये एक अच्छी बुक है अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो। सेम KVS मदान साहब की बुक है और इसमें अंशु मदान भी हैं। नेक्स्ट मैं एक और रिकमेंड करूँगा, वो ट्रूमन पब्लिकेशन की बुक है जो कि बहुत अच्छी बुकों में से मानता हूँ, ये भी आपके लिए पेपर वन को हेल्प करेगी सॉर्ट आउट करने में। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि देखो ये एरर फ्री बुक, सारी एरर फ्री बुक है, आई एम नॉट डिनाई, बट आई रिकमेंड अगर आप मुझसे पूछे पर्सनली सबसे बेटर बेहतरीन बुक कौन सी है, तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँ KVS मदान इज़ दी बेस्ट बुक फॉर दी, अगर आप NT की तैयारी कर रहे हैं खासकर पेपर वन की कर रहे हैं तो आप KVS मदान दें। बट ये एक ऑप्शनल हो सकते हैं या ऑप्शन हो सकते हैं जिनको आप साथ लेके चलते हैं, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, आपकी प्रैक्टिस लेवल में कहीं ना कहीं ट्रूमैन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। देखिए इसके अलावा एक और बुक है टेक्नो ट्यूटर, इसमें आप UGC नेट JRF के हिसाब से आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक है, जो कि बहुत काम के हैं और मुझे जो लगता है कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे जब आप इस बुक को प्रिपेयर करते हैं तो। देन अगेन दिस इज वो PSN पब्लिकेशन की बुक है, अंशु बाला मदान, जो मैंने आपको बताया हिंदी वाली बुक है ये। एक बुक मैं आपको दोस्तों और रिकमेंड करूँगा जो कि है उपकार पब्लिकेशन की, रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर वन, दैट इज़ अगेन इज़ वेरी गुड बुक। और ये इसकी खासियत क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसके बेसिस पे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी अगर आप प्रिपेयर करते हैं फॉर दी UGC नेट को। ठीक है, तो लगातार बने दोस्तों अपोगे नेट क्रैकर के ऊपर। जल्दी ही हम अपना, आई रिपीट जल्दी ही हम अपना बैच भी शुरू करेंगे। ठीक है, मेरी जो प्लानिंग है वो है 15 अगस्त के अप्रॉक्स हम अपने पेपर वन का बैच शुरू कर देंगे और समय मिला, बिकॉज देखो हमारे जो कुछ दूसरे चैनल हैं अपोगे एडुटेनर जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी मेहनत की है और बहुत सारा कंटेंट वहाँ बनाया, इसी तरह हम चाहते हैं कि अपोगे नेट क्रैकर पे भी हम आपको अच्छी खासी चीज़ डिलीवर करें। बट यस, समय की कमी तो होती है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला के दें। तो मोस्ट प्रॉब्ली 15 अगस्त से पहले पहले हो सकता है कि हम 2 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त को शुरू कर दें, पर जल्दी ही हम अपना पेपर वन का बैच भी शुरू कर देंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब 15 अगस्त से पहले पहले चांसेस होंगे, 15 अगस्त, बिफोर 15 अगस्त डेफिनेटली विल स्टार्ट दैट पेपर, जिसके बेसिस पे आप दिसंबर 2019 का जो नेट का पेपर है वो आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, अभी हम पेपर वन की बात करेंगे, बट यस मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तीनों के लिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एज वेल। इसके अलावा हमारी जो कुछ टीम के मेंबर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम आके अदर सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं जो दे ऑलरेडी क्वालिफाइड विद डिफरेंट डिफरेंट नेट्स सच एज इन दी एनवायरमेंटल साइंस, दे है दे डिक्लेयर्ड देयर नेट इन दी ज्योग्राफी एज वेल, दे क्लियर देयर नेट इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, सो दिल बी दे पीपल विल कम एंड डेफिनेट दिल लेट यू नो कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कैसे आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक को पढ़ने के बाद आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो सकता है। तो लगातार बने रहें अपो के लाइफ पे, मैं और भूपेंद्र खन्ना आपको बेहतरीन नॉलेज देने के साथ आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी पॉसिबिलिटी होंगी वो मैं बताता रहूँगा कि आपको किस तरह तैयारी करनी है। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू सो मच।